अब रेगुलर परचेज करने के बाद दूसरा काम यहाँ कर क्या करना पड़ता है, टीम बनानी पड़ती है। क्या बनाना पड़ता है? टीम बनानी पड़ती है। बगैर टीम के पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। ये आप सब लोगों को मालूम, आप बच्चे नहीं है। टीम बनानी पड़ेगी। टीम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत आसान काम है, एक लिस्ट बनाइए घर में बैठ के। क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है। कितने लोगों की? कम से कम 50 लोगों। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति यहां बैठा है जो 50 लोगों के पेपर पे नाम नहीं लिख सकता? हाथ खड़ा करें। है कोई ऐसा व्यक्ति जो 50 लोगों के नाम नहीं लिख सकता, नहीं जानता 50 लोगों को? हाथ खड़ा करो जरा। सभी लिख सकते हो? लिख सकते हो। अब 50 लोगों के नाम लिखने के बाद फिर क्या करना है? उन लोगों को वीकेंड के प्लान के बारे में बताना है। क्या मैंने कोई मुश्किल काम बताया? हाँ जी, ऐसे कर रहे हो आप, मुश्किल काम बताया? नहीं, ऐसे करना है ना, फिर ऐसे नहीं करना, ठीक है? हाँ जी, आप अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों को वीकेंड का मार्केटिंग प्लान दिखा सकते हो, और अगर आपको नहीं आता तो किसका सहारा लेना है? अपलाइन का सहारा लेना है। दिखवा तो सकते हो कि ये मेरे अपलाइन है, ये और मैं मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक घंटा आपको कुछ समझाएंगे, बैठ के समझ लीजिए। इतना काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम लोग जिंदगी बदलने के लिए? यही काम इन्होंने किया, यही काम मैंने किया। मैंने अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी जो भी मिलता गया उसको पकड़ के प्लान दिखाता चला गया। अच्छा, प्लान दिखाते ही क्या वो तुरंत पैसे निकाल के देता है? आप सब समझदार हो, सब मालूम है आपको, लेकिन फिर भी नेगेटिव हो जाते हो। तुरंत पैसे देता है क्या वो? क्या बोलता है? सोचूंगा, कल बताऊंगा, तनख्वाह मिलेगी तब करूंगा, पापा से पूछूंगा, चाचा से पूछूंगा, पत्नी से पूछूंगा, पति से पूछूंगा, बड़े भाई से पूछूंगा, या फिर अरे यार तू कहाँ फंस गया, ऐसी कितनी कंपनियाँ आई, कितनी, ये भी बंद हो जाएगी, मैं सब जानता हूँ, मेरे बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुए, है ना? ऐसे बहुत सारे डायलॉग सुनने को मिलते हैं। ये सुनने की आदत डाल लो। जब भी कोई इस तरीके की बात बोले, समझ लीजिए उसको जानकारी नहीं है, उसको अधूरी जानकारी है। जो असली में नेटवर्क बिजनेस को जानता होगा ना, वो आपकी पीठ थपथपाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कंपनी में काम कर रहे हो, लगे रहो, सफल जरूर होगे। जो असली नेटवर्कर होगा, जिसको नॉलेज नहीं होगी, वो एक ही बात बोलेगा, छोड़ दो, बेकार है, मैं भी सफल नहीं हुआ, तुम भी सफल। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बच्चा 9वीं क्लास पास करके 10वीं क्लास के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, और 10वीं क्लास में जब गया तो उसको 3 लड़के मिले वहां पे जो 10वीं में फेल हो गए थे, और उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया, कह रहे भाई पास हो गया? कहता हाँ। कह रहे बेटा 9वीं में तो हो गया, 10वीं में नहीं होगा। वो कहेगा क्यों? क्योंकि मैं भी, वो क्या बोल रहा है, हम भी नहीं हुए, तुम भी नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो सही बोल रहा है? हाँ जी, वो लड़का जो 9वीं क्लास पास करके आया, वो 3 फेलियर लड़के बोल रहे हैं कि आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, हम फेल हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? क्यों? मेहनत नहीं की। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई इनके लिए। वो फेल क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की। जब इतनी जानकारी आपको है, तो जब डायरेक्ट सेलिंग का कोई व्यक्ति आपको मिलता है और वो कहता है कि मैंने भी काम किया था, मैं सफल नहीं हुआ था, तो उस वक्त क्या सोचना है, क्या सोचना है, क्या जवाब देना है? तूने मेहनत नहीं की बेटा, इसलिए तू सफल नहीं हुआ, मैं मेहनत करूंगा, मैं 100% सफल होऊंगा। लेकिन नेटवर्किंग में हमारे दिमाग बंद हो जाते हैं। हम अपनी अपलाइन को फोन करके बोलते हैं, सर आज किसी के पास बैठा हूं, इसने 5 कंपनियां की हैं सर, और ये किसी में भी सफल नहीं हुआ सर, मेरा तो इसने एंटीना हिला दिया। कैसे हिला दिया भाई? यहां जब ये बात आप बोल रहे हो कि 10वीं में जो विद्यार्थी फेल हो गया, उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया, तो जब कोई नेटवर्क बिजनेस करता है और नेटवर्क बिजनेस में फेल होता है, तो उसने मेहनत नहीं की होती, इस वजह से फेल होता है। और अगर आप भी फेल होंगे तो लिख लीजिए, आप सही दिशा में मेहनत नहीं करेंगे तो फेल होंगे। सही दिशा में काम करने वाले इंसान को सफलता मिलती है दोस्त। तो पहला काम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, दूसरा काम लिस्ट बना लेंगे,
और तीसरा काम, जिनकी लिस्ट बनाई है उन सब लोगों को या तो खुद प्लान दिखाइए, और अगर खुद प्लान दिखाना नहीं आता तो आपकी टीम में जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनका नंबर लीजिए, उनसे संपर्क कीजिए और अपने सभी लोगों को उनसे मिलवा दीजिए।